नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस फैक्ट्स चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो है होंडा वेनेली ई इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, होंडा वेनेली ई को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। होंडा के वेनेली ई इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। दोस्तों इस स्कूटर को स्पेशली कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया गया है। अनिवार्य रूप से ये टू व्हीलर मालवाहक, जिसका डिजाइन बहुत ही खास है। ईवी में पीछे की तरफ एक फ्लैट लैंडिंग डेक है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 60 केजी तक है। इसमें फ्रंट एप्रॉन पर बास्केट अटैच करने की सुविधा है। स्कूटर में एक एलईडी लाइट, चार्जिंग सॉकेट और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को 4 टीम्स में बेचा जाता है, वेनेली ई, वेनेली ई प्रो, वेनेली ई और वेनेली ई प्रो। होंडा वेनेली ई और आई प्रो 2.8 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होता है, जबकि वेनेली ई और आई प्रो में ज़्यादा शक्तिशाली 4.2 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर है। सभी वेरिएंट में दो स्वैपेबल 48 वोल्ट बैटरी है। इनकी मोटर कैपेसिटी में डिफरेंस को देखते हुए वेनेली ई और आई मॉडल की टॉप स्पीड और रेंज अलग होती है। वेनेली ई और वेनेली ई प्रो सिंगल चार्ज में 87 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं और इसकी टॉप स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ओर की वेनेली ई और आई प्रो प्लेन रोड पर 60 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड से 47 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। स्कूटर में फुल लोड पर 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी होती है। चेसिस के मामले में स्कूटर को टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे एक मोनोशॉक दिया गया है। स्कूटर में 12 इंच का फ्रंट और 10 इंच का रियर व्हील सेटअप है। अब बात करते हैं होंडा वेनेली ई के लॉन्च के बारे में। दोस्तों होंडा इंडिया ने वेनेली ई इलेक्ट्रिक स्कूटर के पेश करने के बारे में कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की है। होंडा ने कहा कि भारत में ईवी लॉन्च करने वाली कंपनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इसका टेस्टिंग किया जा रहा है। इनफैक्ट होंडा बाजार में कमर्शियल उपयोग वाली ईवी लॉन्च करने वाली पहली टू व्हीलर्स कंपनी होगी, अगर वो ऐसा करते हैं तो। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर गुड्स ट्रांसपोर्ट या लास्ट मील की डिलीवरी करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों वेनेली की तरफ से अगर ये स्कूटर मार्केट में लॉन्च होता है तो बहुत सारों को बहुत ही फायदा होगा। तो कैसा लगा आज की इस वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।